मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 10 साइंस यानी कक्षा 10 विज्ञान का चौथा अध्याय कार्बन और उसके यौगिक के बारे में सीख पा रहे थे। और आज का मित्रों हम लोग वीडियो है, इसके बारे में जानेंगे, ओलेफिन। यानी कि मित्रों, इसके पूर्व हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया था, और दूसरा था जैसे एल्केन और एल्किल का नामकरण कैसे किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओलेफिन, यानी कि जो एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं मित्रों, इनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओलेफिन। मित्रों, जो एल्कीन होते हैं ना, इन्हें ओलेफिन कहा जाता है। जिस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, उसे ओलेफिन कहा जाता है। इसका IUPAC नाम एल्कीन होता है। क्या होता है मित्रों? एल्कीन। अनुलग्न इन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिए मित्रों, जो हम लोग सीख पा रहे हैं वो एल्कीन श्रेणी के सदस्य के बारे में सीख पा रहे हैं। ओलेफिन जिस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, राइट। अगर मित्रों ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एसिटिलीन हो जाता है, इसके बाद हम बताएंगे उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, अगर डबल बॉन्ड हो तो ओलेफिन होता है, और इसका जो IUPAC नाम होता है एल्कीन होता है, ये देखिए। और अनुलग्न क्या होता है? इन होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक साइड में मित्रों आपका अणुसूत्र है, साधारण नाम है, और IUPAC नाम है, राइट। अणुसूत्र क्या है? CnH2n, साधारण नाम ये है, और IUPAC नाम ये है। IUPAC नाम मित्रों हमने आपको क्या बताया था? एल्कीन। ये ध्यान देना आप, एल्कीन, एल्क धन इन एल्कीन, राइट। और मित्रों कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, अगर ये चीज आप जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में, आप उस वीडियो में जाइए जिसमें लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, राइट। वहां पे हमने पूरा सिस्टम बताया है। अब ध्यान दीजिए, अणुसूत्र में यहाँ यन क्या है? संख्या है, कार्बन की संख्या। अगर यन का मान मित्रों हम एक रख दे तो CH2 बनेगा, इसका नाम क्या होगा? मेथिलीन, साधारण नाम क्या होगा? मेथिलीन। और IUPAC नाम देखिए, एक को मेथ कहते हैं, अनुलग्न क्या होता है? इन, तो मेथ धन इन, मेथ धन इन क्या बन जाएगा? मेथिन। हालांकि मित्रों ये अस्थाई है, ऊपर वाला जो CH2 देख रहे हैं जल्दी नहीं बनता, ना तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जब भी आपको मिलेगा श्रेणी में C2H4 से मिलेगा, राइट। अगर यहाँ पर यन का मान हम दो रख दे तो यन का मान दो रखेंगे तो क्या आएगा मित्रों? C2। और यन का मान दो रखेंगे तो यहाँ भी दो दूनी चार, यानी C2H4। अब ये देखिए, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथ कहेंगे, तो ये क्या हो गया? इसका साधारण नाम एथिलीन। अब IUPAC नाम कैसे बनाएंगे? दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथ, एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ओक्ट, नौ को नोन, दस को डेक कहा जाता है। हमने वीडियो बनाया मित्रों, इस पे आप जाके अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तीन को क्या कहेंगे? प्रोप। और हमने बताया था तीन को क्या कहते हैं? प्रोप। और इसका अनुलग्न क्या होता है? इन, तो प्रोप धन इन क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। प्रोप धन इन क्या बन जाएगा? प्रोपीन, साधारण नाम प्रोपिलीन। अब चलिए यहाँ पर देखिए, संख्या चार रखिए C4, और यहाँ रखेंगे चार दुनी आठ हो जाएगा C4H8, तो इसका साधारण नाम क्या होगा? ब्यूटिलीन। और चार कार्बन है, यहाँ देखिए मित्रों चार कार्बन है, तो ब्यूट धन इन क्या बन गया? ब्यूटीन। इसी प्रकार यहाँ पांच कार्बन है, पेंट धन इन क्या बन जाएगा? पेंटीन। छह कार्बन है, छह को क्या कहेंगे? हेक्स, हेक्स धन इन क्या बन जाएगा? हेक्सीन। और सात कार्बन है, हेप्ट धन इन क्या बन जाएगा? हेप्टीन, राइट। ऑक्ट धन इन क्या बन जाएगा? ऑक्टीन। साधारण नाम आप देख पा रहे हैं, हेक्सिलीन, हेप्टीन, ऑक्टिनिल, नोनिनिल, डेकिलीन। और नौ कार्बन है, यहाँ नौ रखेंगे C9 और H18 यानी 18, तो नोन धन इन क्या बन जाएगा? नोनिन। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, दो बार ऑक्टिन लिखा गया है, तो नौ है, तो यहाँ नोनिन कर दीजिए, नोनिन, राइट। और 10 को डेक धन इन क्या बन जाएगा? डेकिन, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में हम लोग सीख पाए ओलेफिन, और जैसे ये एल्कीन वाले का IUPAC नाम कैसे किया जाता है,
और इसके बाद मित्रों जो आता है आपका वो आता है